हंगामे के बीच विपक्ष और सरकार में जमकर तूतू मैमे हुई। नेता विपक्ष ने आरोपों की झड़ी लगा दी। जवाब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दिया। महोदय, हद तो तब हो गई कि सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत नालंदा, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जिले में निर्दोष हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, जबकि सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले अपराधी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है कि वर्तमान सरकार को अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का, हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही है। ये पूरे सत्र की स्थिति रही है कि इन लोगों की कितनी रुचि है जनता के प्रश्न पर, कि आपने गौर किया होगा कि ये सदन में कितनी देर रहे हैं, यही इनका चरित्र बताता है। हंगामा जब बेकाबू हो गया तो बीजेपी विधायकों को मार्शल की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब बीजेपी विधायक को मार्शल बाहर ले जा रहे थे और ये स्पीकर के आदेश पर किया गया, और ये तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई। जीवेश मिश्रा हैं ये, इनका ये कहना है कि हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सवाल उठाने पर मार्शल से एक तरफा कार्रवाई स्पीकर ने करवाई है और स्पीकर के आदेश पर ही उन्हें बाहर निकाला गया। ये व्यवहार विपक्ष के साथ बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा, मैंने कहा आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया, लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। तो बिहार की विधानसभा में लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने वाले विजय सिन्हा ने सदन के बाहर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकार पीएफआई और मदरसों के जरिए बिहार में दंगा करवा रही है, और सवाल उठाया जाता है तो नीतीश सरकार सदन के अंदर बहस से भाग जाती है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर आना आते नहीं है, और हद तो तब हो गई कि जब यहाँ के एक विधायक, उनके मोहम्मद निहालुद्दीन का बयान है कि आत्म सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे, ये बिहार को आतंकवादियों का घर बना रहे हैं, और सरकार पीएफआई मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है, और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का, 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, खुला चुनौती है सदन के अंदर, क्यों बहस से भाग रहे हैं, और ये इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इनके टॉप शिखर पर बैठा पदाधिकारी दंगाइयों को बचा रहा है, सरकार तुष्टिकरण के कारण दंगाइयों को, आप ही लोग के फुटेज पर चला है कि पत्थर मार रहा है और पुलिस खड़ी है, आप ही लोग ने देखा, बम फूटता है, घायल होता है, कहता है पटाखा है, न्यायिक जांच की मांग करते हैं, एकदम न्यायिक जांच, इनकी जांच तुष्टिकरण की जांच होगी। मार्शल की कार्रवाई से बीजेपी नाराज हो गई। विधानसभा से बाहर निकलकर बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। रामनवमी के दौरान बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी का हंगामा जारी है। आज भी विधानसभा में बीजेपी के विधायक इस मसले को उठा रहे हैं। आप देखिए, विधानसभा के प्रवेश द्वार पर बीजेपी के विधायक हाथों में पोस्टर लिए हुए नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और लिखा है, बिहार शरीफ सासाराम दंगों की जांच एनआईए से कराओ, डीएम और एसपी को बर्खास्त करो। इस तरह के पोस्टर के साथ बीजेपी के विधायक इस मसले को उठा रहे हैं। इससे पहले, 2 दिन पहले जब सदन
की कार्रवाई शुरू हुई थी बजट सत्र की, उस दौरान सदन को चलने नहीं दिया था बीजेपी के विधायकों ने। और एक बार फिर बीजेपी के विधायकों का कहना है कि इस मामले को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी, सरकार निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है। तो ये सारे सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है और आज भी बिहार विधानसभा में बीजेपी इस मामले को लेकर हंगामा कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।